honey. तुम्हारा क्या मतलब है मीनू? मैं तुम्हें फॉक्स और स्टॉर्क की कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक स्टॉर्क और फॉक्स काफी अच्छे दोस्त थे। एक दिन फॉक्स ने स्टॉर्क को डिनर पर बुलाया। प्लीज आज मेरे घर डिनर पर आओ। प्लान के मुताबिक स्टॉर्क फॉक्स के घर पहुँचता है। फॉक्स ने डिनर में यम्मी और डिलिशियस सूप बनाया, लेकिन फॉक्स एक शरारत करना चाहती थी। चलो इसे थोड़े मजे लेती हूँ। तो फॉक्स ने सूप को एक शालो सूप डिश में सर्व किया। ये स्मेल तो बहुत यमी है। फॉक्स हंसी और बोली, चलो इसे पीते हैं। जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, स्टॉर्क को इस शालो डिश में से खाने में काफी तकलीफ हुई। वो अपनी लंबी सी चोंच को बोल में डिप नहीं कर पा रहा था। इधर फॉक्स ये देखकर काफी खुश हो रही थी। फॉक्स ने आराम से सूप पी लिया। उसे शालो डिश से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यामी यामी, मैंने तो पी लिया, लेकिन तुमने खत्म क्यों नहीं किया? लेकिन स्टॉर्क ने झेपते हुए कहा, ओह यस, वो मेरा पेट भर गया है। फॉक्स ने कहा, गुड, लेकिन खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। और फिर वो स्टॉर्क के बोल से भी पूरा सूप पी गई। उस रात स्टॉर्क दुखी होकर भूखे ही अपने घर वापस लौट गया, लेकिन फॉक्स को काफी मजा आया। मजा आ गया बेचारा स्टॉर्क। कुछ दिन बाद स्टॉर्क ने फॉक्स को अपने घर डिनर के लिए बुलाया। स्टॉर्क ने फॉक्स का फेवरेट सूप बनाया और दो लोगों के लिए एक नैरो सूप जार में सर्व किया। फॉक्स स्टॉर्क के घर आकर सूप के अरोमा से काफी खुश हो गई। बहुत यमी स्मेल है। जैसे ही उन्होंने डिनर शुरू किया, फॉक्स उस नैरो जार में से सूप नहीं पी पाए। वो स्ट्रगल करने लगी और जार की साइड से ही सूप को चाट पाए, लेकिन स्टॉर्क अपनी लंबी चोंच से जार में से सूप को एंजॉय कर रहा था। स्टॉर्क ने पूछा, तुमने सूप एंजॉय किया? ये बहुत यमी है। फॉक्स को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने जो किया उसे उसी का फल मिला। और फिर फॉक्स भी भूखी ही घर चली गई। तो आप जो करते हो उसका फल आपको भुगतना पड़ता है। जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। ओके।